हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस चैप्टर का ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि लाइफ प्रोसेस का, जो कि लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस चलता है और उसके द्वारा जो वेस्ट रिमूव होते हैं उसका रिमूवल बॉडी से होना ज़रूरी होगा। तो उसी का रिमूवल अगर बॉडी से हम करते हैं, या कह सकते हैं कि जो यूजफुल सब्सटेंस नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे लिए, उसका रिमूवल जो होगा हमारे बॉडी से होगा, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो एक्सक्रीशन है, कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जनरली अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब के थ्रू होता है, और अमीबा ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके थ्रू जो है वो एक्सक्रीशन होता है। जबकि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो उसमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होगा ह्यूमन बींग्स का, वो कंटेन क्या क्या करेगा, तो अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये फिगर है, हम लोग देख पा रहे हैं, ये किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सब ध्यान में रखोगे। हर बात जो है वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट आउट कॉपी में भी कर लोगे या कॉपी में होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है करने का, लेकिन ध्यान में रखोगे कि ये जो किडनी है वो पेयर में होगा, दो पेयर होंगे और वो पोस्टीरियर रीजन में होंगे, पीछे की तरफ जो है वो प्रेजेंट होंगे, और इस ये बीन शेप्ड होंगे। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो एड्रेनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होगा वो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, 3F के नाम से जाना जाता है, फाइट फ्राइट फ्लाइट। इस तीनों कंडीशन में जो है वो एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट होता है और हार्ट के बीट्स को, यानी कि हार्ट बीटिंग रेट को फास्टर करता है, ब्लड प्रेशर को फास्टर करने में भी एड्रेनालिन हार्मोन जो कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है वो वर्क करता है। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, बाद में क्या करेंगे वो तो चैप्टर ही हट गया। तो यहाँ देखो कि किडनी जो है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो कि यूरिन कैसे कैसे जाएगा, तो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में किसके थ्रू आएगा, ये पाइपलाइन के थ्रू। इस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो जिसमें कि यूरिन तब तक रहेगा जब तक कि वो यूरेथ्रा के थ्रू पास न किया जाए। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द स्ट्रक्चर विच इन विच यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द किडनी, और इन द यूरिनरी ब्लैडर यूरिन कम्स आउट थ्रू यूरेटर्स, और पूछा जा सकता है कि विच इन विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन स्टोर। तो यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड पासेस थ्रू यूरेथ्रा, याद रखो। तो ये जो है फिगर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये सिंपली जो है इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। याद रखोगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। यही जो है यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो एक नेफ्रॉन में क्या होगा कि एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होंगे, और ये जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो कप शेप्ड और सी शेप्ड स्ट्रक्चर लग रहा है, सी नहीं कह सकते, इसको कप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते। तो कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाउमेंस कैप्सूल है, और बाउमेन कैप्सूल में ये जो फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस में जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब देखो कि इसमें क्या है कि जो एफरेंट आर्टियोल्स यहाँ से हो रहा है, एफरेंट आर्टियोल्स से जो है वो डर्टी ब्लड जाएगा यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा ब्लड, और ये फिर जो है फिल्टर आउट होके ये फिर जो है इफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा। आप देखो कि ये जो फिल्ट्रेट हो जाएगा तो फिल्ट्रेट्स कहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ से ग्लोमेरुलस से बाउमेन कैप्सूल में आ जाएगा, और बाउमेन कैप्सूल में ये ट्यूब्यूल्स है, ये देखो कि यहाँ पे होगा, ये देख पा रहे हो ये पीसीटी है, और यहाँ जो है वो डीसीटी, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल, ये पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और डीसीटी डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और ये बीच में यू शेप स्ट्रक्चर जो है वो लूप ऑफ एंजी है। अब देखो कि लूप ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये लूप ऑफ एंजी पीसीटी डीसीटी ये सब मिलके क्या करेगा कि ये सब मिलके रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा, यानी कि फिल्ट्रेट पूरा का पूरा अंदर जाएगा, इसमें फिल्टर आउट होगा ब्लड, और जो भी फिल्ट्रेट होगा फिर ये पीसीटी डीसीटी के द्वारा रीअब्जॉर्ब होगा, और फिर लास्टली जो कुछ बच जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे चला जाएगा, तो किडनी में, और किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो अब देखो कि इसमें यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप। पहला तो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और इसमें फाइनली जो है काफ़ी जो है वो फाइन तरीके से फिल्ट्रेशन का वर्क होता है इसके द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है री एब्जॉर्प्शन, ए बी एस ओ आर पी टी आई वन ग्लोमेरुलस। अब ये जो है जो भी फिल्ट्रेट बाहर गया उसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो इस ट्यूब्यूल्स के द्वारा पीसीटी डीसीटी सब के द्वारा फिर से रीअब्जॉर्ब होगा, और रेस्ट जो बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि वो जो प्रोसेस होगा सिक्रीशन, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन जो होगा नेफ्रॉन्स के रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, और सिक्रीशन तो वट एवर रेस्ट यूरिया is present in the this tubules that is collected in the collecting duct, and through collecting duct it moves to the kidney, or kidney से ureter, ureter to urinary bladder, and then after ureter to out. तो ये पूरा process है urine formation का। अब देखो कि इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हम लोग करते क्या है कि एक टॉपिक है हेमोडायलिसिस, हेमोडायलिसिस और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेन एवर किडनी फेल्योर्स, जब किडनी फेल हो जाता है, ब्लड को फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है किसी कारणवश, ठीक है, चाहे वो डायबिटीज सबके केस में किडनी फेल हो जाए या किसी तरीके से, तो उस समय हम लोग डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस के थ्रू क्या करते हैं ब्लड को आर्टिफिशियली फिल्ट्रेट करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड टू फिल्टर द ब्लड। तो ये किसके थ्रू होगा, तो ये जो प्रोसेस होगा वो डायलाइजर की मदद से, डायलाइजर की मदद से, ये मशीन होता है डायलाइजिंग मशीन, और ये डायलाइजर की मदद से ये डायलिसिस होता है। इसमें क्या होगा कि इस हमारे वेंस को, आर्टरीज को कनेक्ट किया जाएगा डायलाइजर के थ्रू, और डायलाइजर में जो है काफ़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे रोटेट करेंगे, और ये डायलाइजिंग टैंक
फिगर बना होगा एनसीईआरटी बुक या दूसरे बुक में कि डायलाइजिंग टैंक में काफी डायलाइजिंग टैंक में बहुत सारे जो है ट्यूब्यूल्स होते हैं और इसमें वो सेम कंपोनेंट होते हैं जो कि ब्लड में होंगे। तो क्या होगा कि हाई टू लो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ये मिक्सअप होके प्योर हो जाएगा और प्योर होने के बाद वो फिर बॉडी के अंदर पंप कर दिए जाएंगे। और ये एक चीज़ जानोगे कि GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है 125 ml होता है पर मिनट और ये 180 लीटर पर डे होता है, पर डे एक दिन में 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट निकलता है। लेकिन 90% जो इस फिल्ट्रेट का होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी के द्वारा यानी कि रीजनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली 1.5 से 2 लीटर जो होगा हम लोग प्रतिदिन यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, इसको ध्यान में रखोगे। अब देखो कि ये चैप्टर फिनिश हो गया तो अब हम लोग जो टॉपिक या चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और रिप्रोडक्शन हम का कुछ हद तक हो चुका है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।